दिन के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने चैनल पर। तो आप बताएं गेमिंग पीसी के हवाले से लो बजट में कितने तक का पीसी बिल्ड हो जाएगा? देखिए, हम लेकर आए हैं अभी आपके लिए 23,000 रुपये के बजट में पीसी लेकर आए हैं। 23,000 रुपये के बजट में गेमिंग पीसी? जी हाँ, आप बताइए आपको 23,000 में कौन पीसी देगा, आपको बताइए। तो आप बताएं कैसे देंगे भाई? देखिए, लो बजट में ज़ाहिर है हम जो है डेस्कटॉप की तरफ जाएंगे, टावर की तरफ जाएंगे तो बजट आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये है हमारे पास डेस्कटॉप पीसी में है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का मदरबोर्ड है D57। ठीक है, इसमें मदरबोर्ड प्रोसेसर है i5 फर्स्ट जनरेशन, रैम 8 GB है, आर डी साहब की 500 GB है, और इसके अलावा इसमें 2 GB ग्राफिक कार्ड है, डेस्कटॉप फेसिंग है और डेस्कटॉप सप्लाई है। यह आपको पड़ जाएगा तकरीबन 23,000 रुपये का। 23,000 रुपये का। इसी को सेम पैकेज में अगर हम टावर में लेके जाते हैं तो आपको पड़ेगा 25,000 रुपये का। 25,000 रुपये का फर्स्ट जनरेशन की बिल्ड आपको पड़ेगी 25,000 रुपये की, 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ। ये जहन में रखिएगा, 2 GB का ग्राफिक कार्ड, 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ। और इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं सेकेंड जनरेशन पर। अगर डेस्कटॉप में ही हम सेकेंड जनरेशन पर जाते हैं तो सेम स्पेक्स रखते हैं i5 सेकेंड जनरेशन, इसमें रखते हैं 8 GB रैम और 500 GB हार्ड डिस्क, इसके अलावा 2 GB ग्राफिक कार्ड, और साथ में हम SSD ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका तकरीबन लगभग 31-32,000 रुपये का आपका पैकेज पड़ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम टावर में शिफ्ट करें तो? टावर में शिफ्ट करते हैं तो टावर में भी आपका i5 थर्ड जनरेशन कर देते हैं और टावर में कर देते हैं, वो आपको तकरीबन 32-34,000 रुपये का पड़ जाएगा। अच्छा, 32-34,000 रुपये। अच्छा, गेमिंग केसिंग के हवाले से कुछ बताएंगे? अगर सेम मशीन आप गेमिंग केसिंग में शिफ्ट करना चाहें फिर आपके केसिंग और सप्लाई के पैसे बढ़ेंगे। आपके केसिंग ये तकरीबन आगे 17,500 रुपये की, ये पर केसिंग है। ठीक है, 17,500 रुपये केसिंग है, ये इसके फैन स्टेल है। ठीक है, और ये आपको पड़ेगी 17,500 रुपये। इसके अलावा हमारे पास है सिग्नेचर केसिंग, थंडर में सिग्नेचर केसिंग, इस मॉडल को सिग्नेचर कहते हैं। ठीक है, और ये पड़ जाएगा आपको तकरीबन 13,500 रुपये का। ये हमारे तकरीबन एक हफ्ते तक के प्राइस है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इसके प्राइस तकरीबन 1,000 रुपये तक के पड़ जाएंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा ये सेम केसिंग पड़ी हुई है, इसके अलावा हमारे पास है L333 में, थंडर में नया मॉडल है L333। ये तकरीबन अगर हम एक हफ्ते तक के आपके लिए पैकेज रखते हैं तो इसके रेट हम रखते हैं आपके लिए 14,000 रुपये। ठीक है, वैसे ये आम दिनों में इसके प्राइस हो जाएंगे फिर 15-16,000 रुपये। ठीक है, इसमें फिलहाल फैन ऐड नहीं है, फैन ऐड कराएंगे तकरीबन वैसे 1200 रुपये का एक फैन ऐड होता है, और अगर वीडियो के हवाले से कोई कस्टमर आता है उसे फिर हम 1,000 रुपये का पर फैन ऐड करेंगे और 14,000 रुपये का केसिंग देंगे। अलग से कस्टमर आता है तो उसके वजह से 15,000 रुपये का केस है और 1200 रुपये का पर फैन ऐड होगा। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे केसेस की बात हो गई। फिर हम जनरेशन के ऊपर चले जाते हैं, फोर्थ जनरेशन पर चले जाते हैं। फोर्थ जनरेशन में हम टावर केसिंग करा जाते हैं, एसोस की केसिंग है हमारे पास, इसके अलावा नॉर्मल केसिंग, ये केसिंग्स पड़ी हुई हैं आपके पास, इनमें अगर आप शिफ्ट करते हैं तो i5 फोर्थ जनरेशन के साथ 8 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क, 2 GB ग्राफिक कार्ड, 128 SSD, ये तकरीबन लगभग 35-40,000 रुपये के दरमियान पीसी बन जाता है टावर केसिंग में। सेम अगर आप डेस्कटॉप की तरफ चले जाते हैं तो तकरीबन 2-2,500 रुपये आपके लेस हो जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन पर। फोर्थ जनरेशन की अगर हम बिल्ड बनाते हैं i5 फोर्थ जनरेशन, 8 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क, 128 SSD और 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ, ये तकरीबन 40,000 रुपये की आपकी बिल्ड बनती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी थोड़ी सी रेंज कम है, आपके स्पेक्स सेम रखने हैं, आप डेस्कटॉप की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और डेस्कटॉप में आपके तकरीबन 2,000 रुपये कम, मतलब 38,000 रुपये की आपकी मशीन बन जाएगी या 37,000 रुपये की आपकी मशीन बन जाएगी। तो इसके अलावा फिर हम सिक्स जनरेशन की तरफ शिफ्ट करते हैं तो सिक्स जनरेशन के बिल तकरीबन 50,000 रुपये से 60,000 रुपये तक की बनती है। तो उसमें हम अगर स्पेक्स लगाते हैं 50,000 रुपये या 60,000 रुपये या बाद दफ़ा 65,000 रुपये की बनती है, स्पेक्स के हिसाब से बात करते हैं। अगर मैं आपको स्पेक्स के हिसाब से बताऊं तो i5 सिक्स जनरेशन, 8 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क, 256 SSD और 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ, टावर केस पे नॉर्मल केस में तकरीबन ये आपका 60 से 65 का बजट आपका बनेगा। डिपेंड करता है ग्राफिक कार्ड पर, ग्राफिक कार्ड 128 bit है या 64 bit है या 192 bit है, ये सारी डिपेंड करेगा आपके ग्राफिक कार्ड पर। ठीक है, इसके अलावा अगर जनरेशन थोड़ा ऊपर चले जाते हैं तो सेवन जनरेशन पर अगर जाएंगे तो तकरीबन 70-80 का आपका बजट है, उसमें आप नॉर्मल केसिंग के साथ अगर जाते हैं। और अगर आप केसिंग, जैसे आप गेमिंग केसिंग की तरफ जाते हैं तो गेमिंग केसिंग में आपको जो है ना सिर्फ 15-16,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे, और उसमें आप कोई भी पीसी, जैसे आपका 25,000 वाला पीसी, उसको आप शिफ्ट करवा सकते हैं गेमिंग पीसी में। 15,000 रुपये आप देंगे
उसको हम शिफ्ट कर देंगे आपके गेमिंग केस में, ठीक है। अलावा इसके जो मैंने आपको 30,000 रुपये या 35,000 रुपये का बजट बताया, 32,000 वाला बजट बताया, उसको भी आप 15,000 से 16,000 रुपये देकर अपने टावर गेमिंग वाले केस में इन केसेस में आप शिफ्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सिचुएशन बताया, इसी तरह आप सब पर तकरीबन 16,000 से 20,000 रुपये का आपका डिफरेंस आता है, और नॉर्मल केस से आप डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे गेमिंग केस पर। मशीन सेम रहेगी, याद रखने वाली बात यह है कि मशीन सेम रहेगी, मशीन का आपका डिफरेंस नहीं आएगा, आपका जो है ना एक्स्ट्रा खर्चा नहीं बैठेगा, मशीन वो देंगे जो अपग्रेडेबल हो, ठीक है। तो ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें। अच्छा, इसके अलावा ग्राफिक कार्ड्स के वाले बताएंगे। ग्राफिक कार्ड के वजह से हमारे पास 1GB 64-bit कम से कम ग्राफिक कार्ड है, वो तकरीबन 3,000 रुपये का पड़ेगा। इसके अलावा आपके मिल जाएगा 1GB 128-bit में DDR3 में, वो आपको इस मॉडल है क्वाडो 600 1GB 128 DDR3, ये तकरीबन आपको 5,000 रुपये तक का पड़ जाता है। अलावा इसके 1GB 128-bit DDR5 में HD 7570 ग्राफिक कार्ड है, ये तकरीबन आपको पड़ जाएगा 6,500 रुपये का। इसके अलावा फायर प्रो में मिल जाएगा आपको 4800 ग्राफिक कार्ड, ये आपको तकरीबन पड़ जाएगा 6,500 का, ये भी आपको दे दूँगा। अलावा इसके वैसे रेट ज़्यादा हैं। और अगर हम चले जाते 2GB पर, 2GB कम से कम ग्राफिक कार्ड है 9,000 रुपये तक का, लेकिन जो वीडियो की तवज्जो से आएगा उसको 11,500 रुपये का मिलेगा। 2GB 64-bit 340 या R5 430, जो R5 340 है वो तकरीबन पड़ेगा 8,500 रुपये का, और R5 430 है वो पड़ेगा 9,500 रुपये का। इसके अलावा हम 2GB में थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं 128-bit की तरफ, तो 2GB 128-bit DDR5 मॉडल है ग्राफिक कार्ड का R7 250 डेस्कटॉप कार्ड की तरफ जाएंगे तो आपको पड़ेगा 10,000 रुपये का। और अगर आप टावर कार्ड की तरफ जाते हैं, R7 250 सेम कार्ड है लेकिन टावर कार्ड है, उस पर तीन आपके डिस्प्ले पोर्ट्स हैं, VGA, HDMI और DVI, ठीक है। इन तीन पोर्ट के साथ ये आपको ग्राफिक कार्ड पड़ेगा 12,000 रुपये ग्राफिक कार्ड आपको पड़ेगा। थोड़ा सा हम और ऊपर जाते हैं तो हम चले जाते हैं GTX की तरफ। GTX में 650 ग्राफिक कार्ड है, 2GB 128-bit DDR5, ठीक है। 2 फैन में भी आता है, सिंगल फैन में भी आता है, वो करीबन 18,000 से 20,000 रुपये तक का पड़ेगा आपको। अलावा इसके 660 आता है 2GB 192-bit और DDR5 में, ये तकरीबन ये भी 18 से 20 के दरमियान पड़ जाता है। अलावा इसके फिर 750 Ti आता है, वो तकरीबन 20 से 21 के दरमियान पड़ता है। और इसके अलावा आपको 760 मिल जाता है, ये होता है 2GB 256-bit DDR5, ये तकरीबन आपको 23 से 25 के दरमियान पड़ जाता है। और इसके अलावा हम 4GB की तरफ जाते हैं तो हमारे पास आपको कार्ड मिल जाएगा RX 560 मिलेगा आपको तकरीबन 25,000 रुपये का, इसकी है 4GB 128-bit DDR5, ठीक है। इसके अलावा हम जाते हैं RX 570 की तरफ 4GB में, तो ये भी तकरीबन 25 से 26,000 रुपये का आपको पड़ेगा। फिर हम RX 580 की तरफ जाते हैं, 8GB ग्राफिक कार्ड या RX 570 8GB ग्राफिक कार्ड की तरफ, MSI और ASUS GIGABYTE मुख्तलिफ वेंडर होते हैं, ये तकरीबन आपको 33 से 35,000 रुपये दरमियान पड़ेगा। इसके अलावा फिर हम ग्राफिक कार्ड पर थोड़ा मज़ीद ऊपर जाते हैं तो थोड़े लेटेस्ट कार्ड की तरफ जाते हैं तो आपको मिलेगा फिर 650 आपको तकरीबन पड़ेगा 50 to 52,000 के दरमियान, ठीक है। और इसके अलावा 6GB में हम एक और ग्राफिक कार्ड आता है 1660 सुपर तकरीबन आपको 55,000 का पड़ेगा। अलावा फिर हम थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जाते हैं, फिर 6600 ग्राफिक कार्ड आता है, वो यूज़ में आपको तकरीबन 65 का पड़ेगा, न्यू में तकरीबन आपको 80 तक का पड़ेगा। तो इसी तरह हम जितना कहते हैं जितना आप बुल डालें उतना मीठा होता है। अच्छा, मैं ऐसे सीरीज़ भी नज़र आ रही हैं तो ये बताएंगे ऐसे सीरीज़ के बारे में। मुख्तलिफ ऐसी सीरीज़ है हमारे पास, देखें वाईफाई कार्ड्स भी होते हैं, ये टिफिनिंग का वाईफाई कार्ड है 2,000 रुपये तक का पड़ जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये केसू का, ये एक्सटर्नल आपका केस, एक्सटर्नल केस होता है और पोर्टेबल केस जो आर्टिस्ट में लगता है, ये तकरीबन 1,200 रुपये तक का है। इसके अलावा हमारे पास ये है CR, ये 12,000 का हमारे पास वो है कूलर है, एयर कूलर है, और ये हमारे पास आइसविन का एयर कूलर है, तकरीबन 3,500 से तकरीबन 5,000 रुपये तक के दरमियान ये इनके रेट हैं। इसके अलावा ऑफिस माउस है 350 रुपये का, नॉर्मल वायर माउस है। इसके अलावा ये क्लिक का माउस है, रेड ड्रैगन की कॉपी है, और ये वायरलेस माउस है, ये तकरीबन आपको पड़ेगा 1,200 रुपये तक का। अलावा इसके हमारे पास ये गेमिंग माउस है, ये गेमिंग माउस आपको G6 है, ये तकरीबन आपको पड़ जाएगा 1,200 रुपये तक का। इसके अलावा गेमिंग माउस पे थोड़ा बेहतर वाला है, ये तकरीबन 2,000 रुपये तक का है। इसके अलावा ये भी तकरीबन 1,800 से 2,000 के दरमियान पड़ जाते हैं आपको। इसके अलावा हमारे पास RGB माउस पैड है, RGB माउस पैड ये आपको पड़ेगा 1,200 रुपये का, ये पड़ेगा आपको 2,000 रुपये का, लेंथ का फ़र्क है।
हेडफोन्स हैं, इसके रेट बताएंगे आप? हेडफोन्स हैं, हेडफोन कम से कम भी 3000 रुपये से स्टार्ट होता है, ठीक है, पड़ेगा 3000 रुपये का। इसके अलावा ये एच पी का हेडफोन है, ये 3500 रुपये तक का है। इसके अलावा G900 है, ये तकरीबन 3500 रुपये तक का है। इसके अलावा हमारे पास आईवो की पावर सप्लाई है 600 वाट, ठीक है, 600 वाट आपको पड़ जाएगी तकरीबन 12500 रुपये तक, ठीक है, वीडियो से जो आता है उसको 12500 रुपये, अदरवाइज 13500 का रेट है। इसके अलावा हमारे पास इसमें है हमारे पास ब्लूटूथ हमारे पास हेडफोन है Y08, ये तकरीबन आपको पड़ेगा 1800 रुपये तक का पड़ेगा, ठीक है। अच्छा नदीम भाई, शॉप का एड्रेस बताएंगे ज़रा? हम है नास प्लाजा में गेट नंबर 3 शॉप नंबर 64 बंगश के बुलवार। अच्छा अपना व्हाट्सएप नंबर भी बताएं जरा? 03242038576576। जी ये आपका व्हाट्सएप नंबर है जी। हाँ गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट करें, शेयर करें और जो है ना इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो है ना आपको आने वाली वीडियोज़ में आपको हमारे जो है ना नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और आपको जो है ना हमारा अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इंशाल्लाह। आज की जो लेटेस्ट वीडियो थी वो ये थी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस मिलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।